प्रदेश की टीम के आज पहुंची है तहसील दिवस पर अकबरपुर तहसील में, जहां पर ममता से हमारे साथ श्रेष्ठ नारायण जी आए हुए हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इनकी वास्तविकता में क्या स्थिति है। इनकी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसको लेकर ये थाना यहाँ पर आए तहसील पर और तहसील में आकर के तहसीलदार जी को इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया है। अब देखना यह है कि प्रार्थना पत्र लेने के बाद यहाँ के अधिकारी इनके साथ क्या न्याय करते और इसको न्याय कैसे मिल पाता है। जनपद कानपुर देहात की गजनेर थाना ग्राम के अंगटा निवासी सतीश नारायण की पंदा बिस्वा जमीन पर मुहियादीन व शिवम वाजपेयी ने प्रारंभ किया अवैध कब्जा। बताते चले कि बलदेव पुत्र बिहारी ने अपनी पूरी जमीन सतीश नारायण भान तथा सत्य नारायण को वर्ष 2007 में बेच दी थी, जिसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया था। उसी का फायदा उठाकर बलदेव ने फर्जी तरीके से गुमराह करके जमीन भान तथा मुहियादीन शिवम वाजपेयी को बेच दी। मुहियादीन व शिवम वाजपेयी ने जमीन पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। अब सतीश नारायण जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए थाना तथा तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं तहसीलदार ने कहा कि संविधान दिवस पर शिकायत मिली है, जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। न्यूज उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सनाब श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, ग्राम पोस्ट ममता। क्या मामला है? मामला ये है कि हमने सन 2007 में 15 बिस्वा खेत का धरती बैनामा बलदेव सनाब बिहारी चंद्रनगर के निवासी उनसे धरती बैनामा कराया था। इसके बाद सन 2008 में सूरभान सनाब रुद्रपाल थे, उन्होंने एक भी ये का बैनामा कराया। सन 2009 में सत्यनारायण सिंह सनाप प्रताप बान सिंह, उन्होंने 5 बिस्वा बची हुई भूमि का बैनामा करा दिया। विक्रेता के पास कुछ भी जमीन शेष नहीं थी, बल्कि बस दाखिल खारिज हमारा न हो पाने के कारण विक्रेता ने यहाँ पर हमें कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है। सोमवार को देखिए, बताओ सोमवार तक तो बन जाएगा। अब आप चाहते क्या है यहाँ के प्रशासन से? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि वहाँ पर कब्जा न होने दिया जाए, और हम 13 साल को जोत बैठ रहे हैं तो हमें आदेश हो कि हम उसको पुनः जोते हुए हमारी जमीन हमें मिले, सारे डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं।